नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। बहुत दिन बाद मैं फिर से एक नया क्लास लेके आया हूँ। एक्चुअली बीच में मैं एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था। तो आज हम लोग सीखेंगे कि लूप जो सर्कल होता है या लूप होता है उसके साथ हुक को कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसके प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था कि हुक कितने टाइप का होता है, कौन सी तरफ क्या होता है, राइट मोशन से कौन सा हुक लिखा जाता है, आर वाला हुक, एल वाला हुक, लेफ्ट वाला मोशन से लिखा जाता है, ये मैंने समझाया था। अभी सर्कल के साथ लूप को कैसे एक साथ लिखेंगे और कैसे समझेंगे कि सर्कल अगर बना हुआ है उसमें आर वाला हुक है या एल वाला हुक है, वो कैसे समझेंगे, वो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब आर हुक हम लोग लिखते हैं तो उसके साथ जब एस मतलब सर्कल आएगा उसमें लूप आएगा। तो लूप में क्या क्या आता है आपको पता है कि जब सिर्फ एक सिंगल एस होता है तो उसमें लूप छोटा होता है। जब ए सी एस होता है, ये सिंगल एस है, ठीक है, ए सी एस जब होता है तब उसमें थोड़ा बड़ा होता है, एस डब्ल्यू जब होता है उसमें भी बड़ा होता है, और एस टी आर एस टी जब होता है, एस टी, तो उसमें थोड़ा लूप इस टाइप का होता है, एस टी आर में भी लूप इस टाइप का होता है। ठीक है, इस टाइप का लूप बना हुआ होता है। तो इसके साथ जब आर हुक के साथ ये जाएगा ना, तो आर हुक जो मोशन, जिस मोशन से, राइट मोशन से हम लोग लिख रहे हैं आउटलाइन में आर हुक, उसी के साथ ये जो लूप है बन जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्रे, ठीक है, प्रे ये आर हुक है, ये देखिए पार, यहाँ पे डॉट भावन मैंने दे दिया, ऑन द लाइन है क्योंकि मे पा मे वी ऑल गो टू मे, सेकेंड पोजिशन होगा, डॉट भावन होगा तो प्रे हो गया। अब इसमें ऐड कर देते हैं एस, एस ऐड करके क्या लिखते हैं इसको, स्प्रे। स्प्रे में क्या बनेगा, यहीं पे जहां से पार लिखते थे वहीं से सर्कल एस बना के इसको वैसे ही लिखेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, सर्कल एस यहाँ बन जाएगा ना कि यहाँ बन जाएगा। अभी इसको अगर हम इस साइड में बनाएंगे तो ये हो जाएगा जैसे प्ले। प्ले में कैसे एल, एल में क्या लिखते थे, ये इधर से अगर मैंने हुक बनाया है लेफ्ट मोशन से, ये राइट मोशन हो गया, ये ऐसे आया है, ऐसे देखिए डिफरेंस समझिए, और ये ऐसे आया है लेफ्ट मोशन से, ये देखिए प्ले प्ले। अब इसमें अगर मैं एस लगा दूंगा, स्प्ले, देखिए स्प्ले कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें अगर मैं सर्कल एस लगा दूंगा तो सर्कल एस ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा स्प्ले, तो देखिए सर्कल एस इधर हो गया। तो ये समझ में आ रहा है ना कि एल हुक जब होता है एल हुक की तरफ लूप होता है, और जब आर हुक होता है आर हुक की तरफ लूप होता है, तो ये चीज है। तो स्वीट जब होता है, जैसे एस डब्ल्यू के लिए स्वीट हम लोग लिखते हैं ना, स्वीट, स्वीट कैसे लिखते हैं, बड़ा करके सर्कल इज थ्रू द लाइन टी, स्वीट बड़ा करके होता है। हाँ ठीक है, बड़ा करके एस डब्ल्यू डबल ई टी, स्वीट। अब स्वीटर जो होगा उसको कैसे लिखेंगे, इसमें अगर मैंने आर ऐड कर दिया स्वीटर, तो आर हुक किधर होगा, इधर नहीं होगा, इधर होगा ना, तो आर हुक इधर जब होगा तो स्वीटर ऐसे होगा, एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू यहाँ पे आर हुक हो गया और टी यहाँ पे आ गया थ्रू द लाइन, ये आपका स्वीटर हो गया। देखिए जैसे क्रू होता है, क्रू प्लेन में क्या कौन होता है, फ्लाइट स्टीवर्ड होता है या हॉस्टेस होता है, वो लोग क्रू होते हैं, क्रू सी आर ई डब्ल्यू, क्रू फ्लाइट में होता है। तो क्रू में क्या होता है, कार, यहाँ पे यू वोवेल ऐड करते हैं इसके साथ, ठीक है, क्रू ई आ रहा है तो थर्ड पोजिशन में यू वोवेल लगा देते हैं इसके साथ, क्रू। अब इसमें अगर मैंने स्क्रू कर देता हूँ, मैं स्क्रू 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 करता हूँ तो सर्कल इस तरफ आएगा, इस तरफ आके इसके साथ यू वोवेल ऐसे बन जाएगा जो ऐसे नॉर्मल आ रहा था, ठीक है, उसके साथ सर्कल साइड हो गया, स्क्रू हो गया। तो एस हमेशा उसी तरफ आता है जिस तरफ आर होता है, ठीक है, और एल की केस में एल की तरफ होता है। जैसे नॉर्मली प्लाइज लिखते हैं, प्लाइज 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 ऐसे करते हैं, पेल सर्कल एस आई वोवेल प्लाइज, इसी को अगर आगे एस लगा देते हैं तो ये बन जाएगा सप्लाइज, आगे एस लगा दे सर्कल एस सप्लाइज, देखो सप्लाइज बन गया। नहीं, दूसरे आउटलाइन के साथ जब ये ज्वाइन होता है लूप और आर हुक या एल हुक कुछ भी होता है, तो वो आउटलाइन आता है, आउटलाइन के साथ पहले वो लूप बनाता है, उसके बाद उसका जो भी हुक है, आर है या एल है, वो वैसे कंटिन्यू होता है। ठीक है, मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल में दिखाता हूँ, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या होता है, के आएगा, सर्कलेस आएगा, टार आएगा, ठीक है, टार को हमको अलग से यहाँ से, यहाँ पे जो गैप है ना, ये गैप आपको देना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये एक्स्ट होएगा, ये के सर्कल एस टी इसको बोलेंगे जब रीड करेंगे, के सर्कल एस टी, और सर्कल एस उस केस में इधर नहीं बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे
लेकिन जब आप अंदर की तरफ सर्कलर्स बना रहे हो तो इसका जो हुक है ना, इसको आपको खाली रखना पड़ेगा, ऐसे दिखाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तभी आप इसको रीड कर पाएंगे, ठीक है? तो हुक दिखे, जो भी आप बनाओगे ना, ऐसे बनाओगे कि हुक दिख जाए आपको, ठीक है? हो गया मिस्ट्री, 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 मिस्ट्री में क्या आएगा? थर्ड पोजीशन में एम आएगा, सर्कल एस आएगा, टार आएगा थ्रू द लाइन, यहाँ पे डॉट आएगा थर्ड पोजीशन में, टार के बाद टी के बाद आप डॉट लगाओगे, मिस्ट्री, ई, टी आर के बाद आपका ई प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, इसलिए लास्ट में थर्ड पोजीशन में डॉट वॉवल लगा, और यहाँ पे एम आया, एस आया, यहाँ पे टार हुक आपको क्लियरली विजिबल है, तो ये चीज़ जो है क्लियरली आपको लिखना पड़ेगा, आउटलाइन बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर होगा, जैसे आपको देख के ही पता चल जाए कि यहाँ पे कौन सा हुक बन रहा है, आर हो, आर है या एल है। तो ऐसा हो, एक्सेप्शन होता है ना जहाँ पे हम लोग एल हुक नहीं लिख पाते हैं क्लियरली, जैसे म्यूजिकल हो गया, म्यूजिकल, म्यूजिकल, म्यूजिकल में आप एल हुक कैसे लिखोगे? आप थर्ड पोजीशन में एम सर्कल एस के, ये आपका म्यूजिक हो गया, म्यूजिक के ऊपर एक यू होगा, म्यूजिक। अब म्यूजिकल अगर बनोगे, बनाओगे तो एम इस तरफ आ रहा है, सर्कल एस इस तरफ बनेगा, तो यहाँ से आप कल नहीं निकाल सकते क्योंकि कल तो ऐसे होगा, तो ये करने के बाद फिर से आप वापस नहीं आ सकते। शॉर्ट हैंड का रूल है, जिस तरफ स्ट्रोक जा रहा है पेन एक बार स्टार्ट हो गया तो उसी तरफ वो चलता रहेगा, वो वापस ऑपोजिट में नहीं आएगा। तो कल में यहाँ पे आपको एल अलग से बनाना पड़ेगा, एम सर्कल एस के एल, पूरा आउटलाइन आपको म्यूजिकल में लिखना पड़ेगा, या अगर ये म्यूजिकली होगा तो इसमें थर्ड पोजिशन में एल के बाद आपको डॉट भाग लगाना पड़ेगा म्यूजिकली। वैसे ही फोर्सिबली, जबरदस्ती, फोर्सिबली, तो फोर्सिबली, फोर्सिबल, फोर्सिबल या फोर्सिबली, तो जबरदस्ती यहाँ पे आप एल हुक नहीं लगा सकते, जबरदस्ती वर्ड में जबरदस्ती एल हुक लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फोर्स आप ऐसे एफ डाउनवर्ड आर सर्कल एस लिखोगे, फोर्स, ये आपका हो गया फोर्स। अब आपका बेल है तो यहाँ पे सर्कल एस आपको ऐसे कर, फिर आप बेल ऐसे ऑपोजिट में आप कैसे लाओगे, यहाँ से ऑपोजिट आप नहीं ला सकते, तो एक बार में आपको लिखना पड़ेगा, आप पेन को वापस नहीं ला सकते, तो ये बी करके यहाँ पे आपको एल करना पड़ेगा, फोर्सिबली अगर होगा तो डॉट भावे एल के बाद आपको लगाना पड़ेगा, ये आपका हो गया फोर्सिबली। यहाँ पे ओ समझाने के लिए मिडिल में एक डैश भावल दे देना फोर्सिबली, अगर आप ऐसे ही पढ़ पाओगे जो बाद में आपका होगा थोड़ा एडवांस में होगा तब आप भावल ऑमिट कर सकते हो, आपका उस लेवल का कॉन्फिडेंस अगर आ जाए कि मैं ऐसे ही पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है? तो जब सर्कल इज एक स्ट्रेट आउटलाइन के साथ दूसरा स्ट्रेट आउटलाइन सर्कल इस मिडिल में आता है, तब आप उसमें आर हुक कैसे लिखोगे, देखो जैसे डिजैग्री, डिजैग्री, ठीक है, एग्री तो पहले देखो ऐसे एग्री हो गया, ये आपका एग्री हो गया, अब डिजैग्री, डिजैग्री के लिए थ्रू द लाइन डी सर्कल इस आपको करना पड़ेगा, डिस थर्ड पोजिशन है ना, थ्रू द लाइन जाएगा डिस, अब एग्री आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे डिस करके घुमा के यहाँ पे आपको ऊपर से ये लिखना पड़ेगा डिजैग्री, क्योंकि नीचे से लिखोगे तो डिस्क हो जाएगा, बाकी कोई चांस है भी नहीं, तो यहाँ पे आपको सर्कल एस करने के बाद उल्टा घुमाना पड़ेगा, ये एक्सेप्शन है, ठीक है? यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, जैसे डिसग्रेस हो गया, डिसग्रेस, डिसग्रेस, शर्म की बात है, डिसग्रेस, डी सर्कल एस थ्रू द लाइन, यहाँ पे गार दे के सर्कल एस देना पड़ेगा, ये ऑपोजिट है, ये आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये है एक्सेप्शन, सिर्फ इसी केस में ये होता है जहाँ पे सर्कल एस के बाद आर हुक आपका आ रहा है, दोनों ही स्ट्रेट स्ट्रोक है, तो उसमें आपको डिसग्रे, डिसएग्री, डिसग्रेस, डिसरिगार्ड, तो ये सब केस में आपको उल्टा लिखना पड़ेगा क्योंकि आप इसके साथ नहीं लिख सकते, ये चीज एक्सेप्शन है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर कीजिए, सुबह उठ के 50 बार, 40-50 बार तो कम से कम एक एक आउटलाइन आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपका हाथ में आएगा, ठीक है? तभी आप डिक्टेशन के बीच में स्मूथली बढ़िया से इसको बना पाओगे और उसके बाद रीड कर पाओगे। रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप रीड नहीं कर पाओगे फ्लॉलेसली, बिल्कुल नॉन स्टॉप आपको रीड करना है, जैसे आप इंग्लिश हरफ में जैसे पढ़ते हो ना वैसे आपको पढ़ते जाना है शॉर्ट हैंड, तभी आप उसको टाइप कर पाओगे और एग्जाम हॉल में स्किल निकाल पाओगे, ये फैक्ट है। और इसके लिए आपको एक एक आउटलाइन जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको 50 बार, 60 बार, 70 बार आपको लिखना पड़ेगा आपके कॉपी में, ठीक है? तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसा इन्फॉर्मेशन लिखे, बाय।